मिर्जापुर में थाना राजगढ़ क्षेत्र अंतर्गत 25,000 का इनामिया गौ तस्कर बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुआ है। घायल बदमाश को उपचार हेतु मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी में थाना राजगढ़ और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गौ तस्कर 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश रमेश चौहान, जो कि भभुआ बिहार का रहने वाला है और गौ तस्करी में लिप्त था, पुलिस मुठभेड़ में उसे गोली लगी है और गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य साथी पहले ही पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। जनपद मिर्जापुर में कोई भी बदमाश ऐसे अपराध करने का कार्य करता है, गौ तस्करी, गौवध इत्यादि में लिप्त होता है या अन्य किसी भी अपराध में लिप्त होता है, तो उसके से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इन अपराधियों को पकड़ के जेल तो भेजने के साथ साथ इन पे गैंगस्टर एक्ट की धारा लगा के इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली थाना राजगढ़ और एसएसजी टीम को 15,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है, एवं भविष्य में भी जनपद मिर्जापुर में इस तरीके का अभियान चलता रहेगा।